वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस राइफ-जंश की थ्योरम। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर राइफ-जंश की थ्योरम जो है ना वो डिस्कस करना है। द राइफ-जंश की थ्योरम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ चेंज इन एंडोमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन इफेक्ट द प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो राइफ-जंश की थ्योरम है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक बुनियादी तस्वर के तौर पर जो है जो इस बात की वजाहत करने में मदद करता है, हेल्प करता है कि पैदावार जो फैक्टर्स हैं, बड़े अवामिल जो हैं बड़े ना जो औकाफ में जो तब्दीली की तरह गुड्स और सर्विसेज की खिदमात की पैदावारी सतह को भी मुतासर कर सकते हैं। दिस थ्योरम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द हिक्चर-ओलन मॉडल। ये जो थ्योरम है ना, जो हिक्चर-ओलन का मॉडल है ना, उसके साथ जो है ना करीबी तल्लुक रखता है, क्लोजली इसके रिलेटेड है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। जो बैनुल अक्वामी जो ट्रेड है, बड़े तिजारत है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल में से एक ये है पड़ा। द थ्योरम स्टेट दैट इफ अ कंट्री एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन द एंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट विल एक्सपीरियंस इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड दैट यूजेस दैट फैक्टर इंटेंसिवली। तो ये जो है ना, ये नज़रिया कहता है कि अगर किसी कंट्री को पैदावार एक जो फैक्टर है उसको अता में इजाफे का तजर्बा होता है तो वो इस जो चीज़ की पैदावार है ना, पैदावार है उसमें भी इंक्रीजमेंट का तजर्बा करेगा। जो इस फैक्टर को जो फैक्टर इंटेंसिवली जो है ना उसके साथ जो है ना यूज़ करता है, जो दूसरी अच्छी पैदावार में जो कमी वाक़ हो रही होती है। ये जो नज़रिया है ना, इसके पैदावार के जो फैक्टर्स हैं पड़े ना, फैक्टर्स जो है ना इसमें से एक की सप्लाई में इजाफा जो है ना दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसके जैसे रहते हैं। जो जमा करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अच्छे की जो पैदावार में इजाफा का सबब बनता है और दूसरी जो अच्छी पैदावार होती है ना उसके मुतलिक जो है ना मकदार में कमी हो रही होती है। बशर्तिया ये कि जो अजनास और फैक्टर वगैरह जो हैं उसकी जो प्राइसेस वगैरह जो है ना बस तो पहले की तरह जो है ना वो कॉन्स्टेंट रहे हैं, उसमें चेंजेस ना आए, वो बरकरार रहें। फ़र्ज़ करें जो मेहनत कश कंट्री है उसमें लेबर्स की जो है ना सप्लाई बढ़ जाती है, इसे मेहनत की ज़रूरत वाली जो अजनास है उसकी पैदावार में भी इजाफा होगा, जैसे कि कपड़ा हो गया या स्टील का कहना है पड़ा कि सरमायादार जो होते हैं ना शेयर की पैदावार में कमी आएगी। और ये जो थ्योरम है पड़ा ना, ये तीन तरह की जो अजम्पशन है ना उस पर बेस कर रहा है। परफेक्ट कंपटीशन होगी, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होगी और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी वगैरह जो हो गई इस पर ये बेस कर रहा होता है। और जो रिबेंस की थ्योरम है ना, ये इस बात का तजिया कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, जो एक फ्रेमवर्क जो है ना वो प्रोवाइड करता है कि किस तरह जो रिलेटिव जो है ना इसमें कंट्रीज वगैरह के दबीज में ना फैक्टर्स जो एंडोमेंट्स हैं पड़े ना, जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है पड़े ना उसको डिफरेंट कंट्री के बीच में ना किस तरह जो है ना इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो लेबर है ना फैक्टर इंटेंसिव जो है ना रिवर्सल उसके जाने के ख्याल को वाजे करता है कि जहाँ एक अच्छा जो पहले से सरमायादार था वो मेहनत पर मबनी हो सकता है या इसके बरक्स भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी कंट्री है वो अपने सरमाए के ज़खीरे में इजाफे का तजर्बा करता है तो वो दूसरे है ना जो सरमायादाराना सामान गुड्स वगैरह के पैदावार में इजाफा करेगा और मेहनत के लिहाज से ना गुड्स की पैदावार को भी कम करेगा। ये जो थ्योरम है ना, इसको तरक्की याफ्ता जो कंट्रीज़ हैं उसमें लेबर इंटेंसिटी से कैपिटल इंटेंसिटी एशिया की पैदावार में तब्दीली की वजाहत करने के लिए जो है ना यूज़ किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने सरमाया के ज़खीरा में इजाफा किया है। रिबेंसी की जो थ्योरम है ना, ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए एक अहम जो पॉलिसी वगैरह होती है ना उसके लिए इम्प्लीकेशन वगैरह जो है ना वो रखता है। इन कंट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इन्हें मेहनत से ज़्यादा जो है ना गुड्स वगैरह पैदा करने पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि वहाँ पर जो सरमाया वाला कंट्री होते हैं ना उसमें सरमाया दराना जो गुड्स वगैरह की पैदावार है ना उस पर तवज्जो देनी चाहिए। थ्योरम जो है ना इस बात को मफरूज़ वगैरह बनाता है, अजम्पशन वगैरह बनाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ तजर्बाती मुशाहदात की वजाहत करने में नाकामी के लिए ना भी
उसे तनकीद का निशाना जो है ना वो टारगेट किया गया है। रिबेंसकी जो थ्योरम है ना उसमें इंटरनेशनल ट्रेड में एक अहम तसव्वुर है जो इस बात की वजाहत करने में मदद करता है कि किस तरह किस कंट्री के जो फैक्टर है एंडोमेंट्स हैं उसमें चेंजेस इसके तजुर्बाती जो होते हैं पैदावार वगैरह की जो लेवल होते हैं उसको मुतासर कर सकती है। घरचा ये थ्योरम की जो हदूदें होती हैं ना लिमिट्स वगैरह होती हैं ना उस पर तजारती जो नमूने होते हैं ना उसका तजिया करने के लिए एक मुफीद फ्रेमवर्क फ्राहम करता है और तजारत की तरक्की और के लिए ना इसमें अहम पॉलिसियाँ वगैरह और इसकी इम्प्लीकेशन वगैरह डेवलपमेंट के लिए जो है ना ट्रेड वगैरह के लिए ये बना रहा होता है। अब जो है ना हम बात करेंगे इसकी अजम्पशन की। तो फर्स्ट है द ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्री द केस ऑफ ओनली वन ऑफ द टू कंट्री विल बी डिस्कस्ड हियर। इसमें जो है ना तजारत की दो कंट्री के दरमियान में हो रही होती है टेक प्लेस को कर रही होती है यहाँ दो कंट्रीज में से सिर्फ एक का मामला जो है ना जेरे बाइस आएगा। सेकेंड है द गिवन कंट्री इज लेबर अबंडेंट एंड कैपिटल स्कार्स। इसके जो दिया गया कंट्री मेहनत कश और सरमाए की कमी वगैरह इसमें आ रही होगी। दिस कंट्री प्रोड्यूस टू कमोडिटी क्लॉथ एंड स्टील। ये जो कंट्री है ना दो कमोडिटी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ और स्टील वगैरह जो है ना ये दो कमोडिटी पे इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे दो जो है ना ये प्रोडक्ट्स और कमोडिटी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। और फोर्थ है द प्रोडक्शन ऑफ दीज कमोडिटी रिक्वायर टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल। इन ये जो अजनास वगैरह हैं पूरी कमोडिटी हैं उसकी पैदावार के लिए दो अवामिल हैं जो फैक्टर हैं उसकी ज़रूरत है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है एक लेबर हो गई जो काम करने वाले हैं दूसरा है कैपिटल जो सरमाया वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। कैपिटल एंड लेबर आर परफेक्टली मोबाइल परफेक्टली डिवाइजिबल एंड सस्टेन सब्सटीट्यूटेबल इन सम डिग्री। इसमें जो सरमाया और मेहनत है ना वो बिल्कुल मुतहरक हैं बिल्कुल काबिल तकसीम होनी चाहिए और किसी हद तक मुतबादल भी हों। और सिक्स है क्लॉथ इज लेबर इंटेंसिव गुड एंड स्टील इज कैपिटल इंटेंसिव गुड। इसमें जो है ना मसनूआत जो आम मंडियों में कपड़ा जो है ना वो है अपने मेहनत करने वाली अच्छी चीज़ है और स्टील जो है ना सरमाया दराना गुड्स है पड़े। देयर आर द कमोडिटी अ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। इसके अंदर जो मसनूआत और आमल जो मार्केट्स वगैरह होती है ना फैक्टर मार्केट वगैरह होती हैं उसमें कामिल मुसाबकत की शरायत मौजूद होती हैं। एट नंबर पे है द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू बोथ द कमोडिटीज आर होमोजीनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री दैट इम्प्लाइज कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन। इसमें दोनों जो कमोडिटीज़ हैं उसके मुतलिक पैदावार या फाल पहली डिग्री के यकसा हैं पड़े। इसका मतलब है कि पैदावार में पैमाने पर मुस्तकिल जो है ना उसकी वापसी है पड़े। द फैक्टर एंड कम्युनिटी प्राइस आर कॉन्स्टेंट। फैक्टर और कम्युनिटी की जो प्राइस वगैरह होती हैं ना वो क्या हैं कॉन्स्टेंट हैं पड़े। इसमें कीमतें जो है ना प्राइस वगैरह हैं वो मुस्तकिल हैं पड़े। और लास्ट अजम्पशन है द सप्लाई ऑफ फैक्टर लेबर एक्सपेंड वाइल दैट ऑफ कैपिटल रिमेन द सेम। फैक्टर लेबर की जो सप्लाई फैल रही होती है जबकि सरमायादार की वही रहती है सेम रहती है कैपिटल की जो है ना वो रिमेन सेम रहती है। इट इज नाउ क्लियर दैट रिबेंसकी मेक्स डिपार्चर फ्रॉम एचओ थ्योरम एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अबैंडनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अबैंडनिंग द अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर सप्लाई। इसके अंदर जो ये अब ये वाजे है कि जो रिबेंसकी मॉडल था ना उसमें थ्योरम था ना इसमें फैक्टर सप्लाईज जो है ना उसके मफरूजे को तर्क करने के सिलसिले में जो एच ओ था ना थ्योरम उसमें और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम से अलहदगी इख्तियार करता है। ये ही डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ फैक्टर इन विच द कंट्री इज अबंडेंट अपॉन प्रोडक्शन फैक्टर एंड कमोडिटी प्राइस एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके अंदर जो है ना वो इस फैक्टर की बढ़ती हुई जो सप्लाई है उसके असर पर बहस करता है जिसमें कंट्री जो है ना पैदावार फैक्टर और अजनास वगैरह की जो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे होते हैं गुड्स की उसकी प्राइसेस और तजारत जो ट्रेड है उसकी शराइत पर वाफिर मकदार में
मौजूद है, बट अब जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे, इस थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे इस फिगर के ज़रिए जो कि हमारे पास मौजूद है पड़े। ये जो डायग्राम है ना, इसमें ए बी सी डी जो दिए गए हैं ना, कंट्री के से मुतलक जो एज वर्थ बॉक्स है, ये जाहिर करता है कि कंट्री मेहनत कश और सरमाए की कमी है पड़ी। एज नास के जो कपड़े वगैरह हैं उसकी असलियत है जो मेहनत करने वाला जो एल है पड़ा अच्छा है। सी जो है ना अच्छे स्टील की असल है पड़े, जो सरमायादार जो के गुड है पड़े। ऐसी गैर लकीरी जो कंट्रैक्ट वगैरह होते हैं ना, ऐसी जो है ना वो नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्ट है पड़ा, जो कि कर्व जो है पड़ा ना नीचे की तरफ जा रहा है, झुकता है, पैदावार आर पर होती है। कपड़े जो है ना इसमें के एल का तनासब जो क्लोथ में तनासब लाइन जो है ना इसमें ए आर की ढलवान से मापा जाता है, और स्टील पर जो है ना इसमें के एल का तनासब लाइन जो है ना इसमें आर सी जो है ना इसकी ढलवान जो है ना उससे मापा, जो स्लोप जो होती है ना उससे मैयर किया जाता है। अब जो है ना ये समझा जाता है कि जो लेबर की सप्लाई में बी ई से इजाफा किया जाता है, कैपिटल स्टॉक वही बाकी रहता है, ताकि नया बॉक्स डायग्राम जो है ना ए ई एफ डी हो। अब ए और एफ का जो गुड्स के कपड़े क्लोथ वगैरह और स्टील के लिए जो है ना बलतरतीब निकात हैं पड़े। ए एफ जो है ना जो नॉन लीनियर मायदे हैं वगैरह पर है पड़ा जो कर्व है ये। एल अच्छे कपड़े जो गुड क्लोथ होते हैं ना उसकी असलियत ए है, और जो एफ के जो वगैरह है ना वो अच्छे स्टील की असल है बड़ी, पैदावार इस सूरत में जो है ना एस पर होती है। क्लोथ में के एल का जो रेशो लाइन है ना ए एस में जो स्लोप है ना उसमें मेजर किया जाता है, और स्टील में के एल की जो रेशो लाइन है ना एस एफ की जो स्लोप है ना उससे मेजर किया जाता है। इसके अंदर जो फैक्टर इंटेंसिटी है ना टू कम्यूनिटी की में वो रिमेन जो है ना अनचेंज्ड ही रहती है, जो पॉइंट आर और एस हैं पड़े। आर एस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो आर एस है ना वो सेम स्ट्रेट लाइन में रहते हैं ए एस की जो है पड़े। इसमें के एल रेशो है ना वो क्लोथ रिमेन अनचेंज्ड, के एल रेशो के बीच में जो क्लोथ है ना उसमें अनचेंज्ड ही रहते हैं। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो आर एस सी जो लाइन है ना पैरेलल है पड़े एस एफ के, इसके अंदर जो आर सी का जो स्लोप है और एस एफ है ना वो इक्वल हैं पड़े। देर इज नो चेंज आल्सो इन द के एल रेशियो इन कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी स्टील, जब इनके अंदर फैक्टर इंटेंसिव है ना बोथ कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो सेम रहेगा, तो इसकी जो प्राइस वगैरह है ना दोनों फैक्टर्स की उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी सेम रहेंगे। तो इससे ये शो हो रहा है कि रुबेंस की जो थेरम था ना इसमें रिफ्यूट द पॉसिबिलिटी ऑफ द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो लेबर की फरमानी है ना वो कंट्री जो है ना उसमें मजदूरों की जो फ्राहमी वगैरह होती है ना उसमें इजाफा, और सरमाया की जो फरमानी वाले कंट्री वगैरह होते हैं ना उसमें सरमाया के ज़खीरे में भी इजाफा हुआ है। इन दो फैक्टर्स की जो प्राइस वगैरह है इसमें कोई की किसी किस्म की चेंजेस इसमें नहीं आएंगी, इसलिए जो फैक्टर की प्राइस वगैरह हैं इसमें कोई बराबरी नहीं हो सकती। जब पैदावार जो फैक्टर्स हैं इसकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आती, तब्दीली वगैरह नहीं होगी, तो दो शेयर की जो प्राइस वगैरह जो कीमतें होती हैं वो पहले जैसी ही रहेंगी, वो कॉन्स्टेंट रहेंगी जैसे पहले थी। इसके अंदर जो फैक्टर की जो फ्राहमी होती है ना इजाफे का सबसे अहम जो असर है ना पैदावार के हजम वालियम पर पड़ेगा। असल से जो पैदावारी तवाज़ुन है ना उसके नुक्ता का फासला जो है ना किसी शय से पैदा होने वाली जो क्वांटिटी होती है उसकी पैमाइश करता है। कपड़े की जो क्लोथ है उसकी सूरत में असल पैदावार को फासले जो ए आर से माप मैयर किया जाता है, इसके बाद यह जो डिस्टेंस होता है ना ए एस की तरफ से माप मैयर किया जाता है, मापा जाता है। चूँकि जो ए आर और ए एस है इससे बड़ा है बड़ा, इसलिए ये जो लेबर की फ्राहमी वगैरह होती है उसमें इजाफे के बाद कपड़े की पैदावार में भी इंक्रीजमेंट की निशानदेही करता है। स्टील के जो मामले वगैरह होते हैं ना उसमें जो आर पैदावारी असल में फासले के आर सी से जहर की गई थी, और बाद में इसे जो है ना फासले जो डिस्टेंस वगैरह एस एफ से मापा जाता था, चूँकि जो एस आर सी जो है ना एस एफ से छोटा है। इसके बाद जिस कंट्री में लेबर्स की सप्लाई में तो सी के बाद के अच्छे स्टील की पैदावार कम हो जाती है, इस तरह से ये नतीजतन जो है ना अखज किया जा सकता है। ये एक अहम फैक्टर की बढ़ती हुई सप्लाई है, दूसरी तरफ अगर बगैर किसी तब्दीली के रखने से बढ़ते हुए जो फैक्टर है उसमें गुड गुड जो है ना
गुड इंटेंसिव की पैदावार मुतलक जो है ना क्वान्टिटी में बढ़ेगी, जबकि दूसरी अच्छी की पैदावार जो है ना उसके मुतलक मकदार में कम हो जाएगी। के तो दोनों इशा हैं अपने ना उसकी इशा की प्राइस वगैरह जो है ना मुस्तकिल रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी। और इस तरह सूरत में हो सकता है कि जब दो फैक्टर की जो प्राइस वगैरह जो है ना वो उससे कम रहें, इसका मतलब ये है कि दोनों सनते वगैरह में जो सरमाया है ना लेबर्स की तनासब मुस्तकिल रहता है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है जब दो अवामिल जो फैक्टर्स हैं पड़े इनमें इसमें किसी एक की मकदार वो बढ़ रही होती है। हाउ कैन ऑल दिस बी पॉसिबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द टू फैक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस सिलसिले के अंदर जो है ना ये कहा जा सकता है कि लेबर्स की सप्लाई में इजाफे के नतीजे में पूरी जो इजाफी लेबर है ना मेहनत की सनत में जाएगी, सरमाया दराना जो बड़ी सनत है स्टील है उसे भी लेबर्स का जो रुख है ना वो मोड़ दिया जाएगा। लेबर्स की जो मुंतकली है ना उसके साथ साथ कुछ सरमाया भी स्टील की मेहनत से मेहनत कश कपड़े की सनत में की तरफ जो है ना मोड़ दिया जाएगा। नतीजतन जो है ना कपड़े वगैरह जो क्लोथ होते हैं उसकी पैदावार और स्टील के मुआहदों में तोसी होती है। लेकिन दो सनतें वगैरह जो है ना इसमें के एल तनासब जो है ना फैक्टर प्राइस वगैरह की जो होती हैं और अजनास की जो गुड्स वगैरह जो होती हैं उसकी प्राइसेस में भी अभी गैर तब्दील शुदा हैं पड़े। अगर जो अफरादी कुवत है ना जो जो पावर ऑफ परचेजिंग होती है ना उन लोगों की जो पावर है मैन पावर है ना उसमें गैर मुआना मुद्दत जो है ना उस तक जो है ना तो सी होती रही तो कंट्री जल्द ही कपड़े की पैदावार में मुकम्मल तौर पर माहिर बन जाएगा। जनास की जो कमोडिटीज़ वगैरह होती हैं उसकी जो प्राइस में जो है ना इस काम का मतलब ये है कि तजारत जो है ना उसकी शरायत में गैर मुतासर रहेंगी। तहम जो मुस्तकिल प्राइस होती हैं उसके साथ जो तवाज़ुन होता है इक्विलिब्रियम होता है, जब एक फैक्टर की सप्लाई बढ़ रही है तो आम तवाज़ुन जो है ना आम इक्विलिब्रियम होगा उसके साथ मुताबकत नहीं रखती। ये मुमकिन हो सकता है कि अगर दो अशिया में से एक ख़ास तौर पर दूसरे जो फैक्टर सरमाया है उसमें कमोडिटी कमतर हो लेकिन दोनों अशिया यानी कपड़ा और स्टील में से किसी को भी कमतर नहीं समझा जा सकता। द जनरल इक्विलिब्रियम इन सच अ सिचुएशन कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंटेंसिव इन द एक्सपेंडिंग फैक्टर डिक्रीज। इट मीन्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर लाइकली टू बिकम वर्स फॉर द कंट्री इन विच वन फैक्टर हैज़ बीन एक्सपेंडिंग। ये जो है ना ऐसी सूरत हाल है कि ऐसी सिचुएशन है बड़े जिसमें अमूमी तवाज़ुन जो है ना जनरल इक्विलिब्रियम जो होता है ना इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब फैलने वाले जो है ना फैक्टर उसमें शेयर की प्राइस जो है ना गुड्स की जो प्राइस है ना वो कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि तिजारत की जो शरायत है ना इस कंट्री के लिए जो है ना बदतर होने का इम्कान है, जिसमें एक जो फैक्टर है ना वो फैल रहा है, वो क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है। तो इसकी वजह जो है हम नाम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इस फिगर के साथ। ये जो फिगर है इसमें एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है ना इस पर क्लोथ दी और दूसरे पे क्या है स्टील दिया हुआ है। स्टील की जो सनत है ना इसे कपड़े की सनत से जो है ना क्लोथ की सनत से में मेहनत और सरमाए की मुंतकली के साथ जो है ना लेबर की तो सी शुदा फ्राहमी तस्वर है पड़े। इसमें बॉक्स जो ए ई एफ डी से अखज करदा जो नई पैदावारी इम्कानी जो वर्कर है ना जो पहले हमने डिस्कस किया था जो बॉक्स में जो डायग्राम वगैरह थी तो वो जो है ना ए टू ए थ्री जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जो इसमें हमारे सामने ए टू और ए थ्री हमारे सामने जो है ना वो गिवन है जो कर्व बना हुआ है। अगर दो अशिया की प्राइस जो एक जैसी रहती हैं तो तजारती लाइन जो है ना ट्रेड लाइन जो है ना पी वन पी टू जो है ना वो हमारे जो सामने उसकी शराय जो पी ज़ीरो और पी ज़ीरो के मुतवाजी हैं पड़े। तो इसमें जो है ना पैदावारी तवाज़ुन अब एस पर होता है तो पैदावारी तवाज़ुन जो है ना पी वन और पी वन के जो एस है ना उस पर दिया गया है हमारे जो फिगर सामने हैं अपने। तो इसमें के जो है ना पहले तवाज़ुन अब एस पर होता है जहाँ पर ए टू ए थ्री पी वन पी वन का मास वगैरह जो है ना इसके अंदर जो है ना इस वो टेंजेंट जो है ना वो सामने है पड़ा। और पॉइंट एस जो है ना लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी कपड़ों की एक बड़ी पैदावारी और कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी
स्टील की कम पैदावारी को जाहिर करता है। ये तभी हो सकता है जब स्टील एक कमतर शय हो लेबर फोर्स में, जो तुसी और पैदावार की पैदावारी मकानी कर्व है ना, उसको दाएं तरफ मुंतकिल करना कौमी आमदनी जो नेशनल इनकम है उसमें इजाफे का मतलब है। ऐसी सूरत हाल में कमतर गुर्जु वगैरह जो हैं पड़े ना उसको छोड़कर दोनों सामान की डिमांड में भी इजाफा होता है। लिहाजा जो इक्विलिब्रियम है उसकी नई पोजीशन पैदावारी जो है पड़े ना इम्कानी कर्व जो है ना ए टू और ए थ्री के इस हिस्से पर होनी चाहिए, जो आर क्यू और आर टी लाइनें वगैरह जो कर्व वगैरह हैं पड़े ना उसके दरमियान वाक़ है। इसका जो है ना ए टू और ए थ्री पर इस हिस्से को स्लोप है आर पर है, जो ए ए वन है ना इसकी जो स्लोप से कम खड़ी है पड़े। इसका मतलब ये है कि कपड़े की जो पैदावार है ना उसकी जो प्राइस वगैरह निस्बतन कम है पड़ी और स्टील की जो प्राइस है निस्बतन ज़्यादा है पड़े। इसमें बरामदनी जो अशिया होती हैं जिनास वगैरह होती हैं इसके कपड़े की कीमत कम और जो दरामदी कमोडिटी वगैरह होती हैं उसके स्टील की ज़्यादा प्राइस वगैरह होगी। इसका मतलब ये है कि लेबर की सप्लाई में इजाफे के नतीजे में तजारत की जो शराइत है ना वो बिगड़ती जा रही हैं। इसके अंदर जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसके बारे में रिबेंस की जो था ना इसने वजाहत की कि दोनों अशिया के मुतलक जो प्राइस है उसमें तब्दीली के बावजूद कंजम्पशन का पैटर्न वो गैर तब्दील शुदा रह सकता है या एक अच्छी या दूसरी जो है ना चीज़ के हक में बदल सकता है। अगर जो जमा शुदा फैक्टर्स वगैरह हैं उसमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का मामूली रुझान इस्तेमाल करने वाले उस रुझान के बराबर या इससे ज़्यादा है तो पैदावार और जो कंजम्पशन है उसका पैटर्न और इसके जो फैक्टर्स वगैरह हैं मसनूआत की सीमत में बदल जाएगा। जब इस्तेमाल करने वाला मामूली रुझान जो है ना यूज़ करने वाले के औसत रुझान से कम होता है तो नई जो पैदावार है और उसकी जो कंजम्पशन पैटर्न है अपने अब भी ज़्यादातर फैक्टर को यूज़ करते हुए जो शय के हक में तब्दील हो सकता है या कोई भी चेंज इसमें नहीं रह सकती या दूसरी तरफ अच्छी जो होती है उसमें डायरेक्शन वगैरह में बढ़ सकती है। ये इस्तेमाल करने के औसत और मामूली रुझानात वगैरह जो होते हैं ना उसके रिलेटिव तौर जो होते हैं इसके मुनहसर है पड़ा। तो ये वाजह है कि जो रिबिंसकी था थ्योरम था ना इसमें पैदावार अंसर और अजनास की प्राइस वगैरह और ट्रेड और जो कंजम्पशन वगैरह थी उसके पैटर्न की शराय से मुतलिक जो है ना के इम्प्लीकेशन वगैरह रखता है। तहम फैक्टर की जो प्राइस हैं उसकी इक्विलिब्रियम वगैरह मसावात हैं उसके मुतलिक इसका जो इम्प्लीकेशन सबसे वाजह है। जब वाफर जो है ना फैक्टर की फ्राहमी में तेज़ी से इजाफा होता है तो तजारती कंट्री के दरमियान में फैक्टर की प्राइस वगैरह की बराबरी को रोकने के लिए फैक्टर की प्राइस वगैरह का जो तनासब है उसमें भी गैर तब्दील शुदा रह सकता है। अब जो है ना हम इस थ्योरम की जो है ना क्रिटिसिज्म देखते हैं। ईज मिशन हैज़ ड्राइव टू मेजर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस थ्योरम गिवन बाय रिबिंसकी। Firstly, if the increase in the supply of one factor labor is accompanied by the increased supply of the other factor capital, the result suggested by Rabinsky are not likely to follow. Secondly, there is technical difficulty in extending Rabinsky two factor model to a multi-factor system। इसके अंदर जो एजी मिशन ने रुबिंसकी जो था ना उसके दिए गए जो थ्योरम के खिलाफ दो बड़े एतराज़ वगैरह जो है ना वो उठाए हैं। अव्वल के अगर एक जो फैक्टर है मेहनत है उसकी जो सप्लाई है उसमें इजाफा हुआ है तो उसके साथ जो है ना जो दूसरे फैक्टर्स हैं सरमाया वगैरह हैं उसकी जो रसद है सप्लाई है ना उसमें भी इजाफा होता है तो रुबिंसकी ने तजवीज़ करदा जो नतज वगैरह हैं उसकी पैरवी का इम्कान नहीं है। तो दूसरे पर उसने कहा था जो रुबिंसकी के टू फैक्टर मॉडल हैं उसको मल्टी फैक्टर सिस्टम तक बढ़ाने में तकनीकी जो है ना वो दुश्वारी है पड़े। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।